ओके, 12th वन, समबडी वॉज आस्किंग फॉर 12th वन. समेशन ऑफ एक्स एन इज एक्स, देन वट कैन यू से अबाउट समेशन ऑफ एक्स एन स्क्वायर? डू यू हैव एनी आंसर? लुक एट द पार्शल सम. वट डू मीन बाय समेशन ऑफ एक्स एन? दैट मीन्स एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस अप टू एक्स एन. द आंसर इज एक्स. एंड वट दे आर आस्किंग फॉर? दे आर आस्किंग फॉर एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर. इज दिस सेम एज एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स और एनी थिंग? कैन आई गो फ्रॉम हियर टू हियर? फ्रॉम दिस टर्म कैन आई गो टू दिस टर्म? यस, आई नो समथिंग अबाउट दिस. कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दिस? As simple as that. If you square both the side, you will see there are so many other terms also in between. 2xy ka term aayega na, and so many terms will be there. We don't know the structure of them. Iska square ye thodi hota hai. Agar iska square liya, to it is this plus so many other terms. Do you see? And I don't know whether those things are convergent, divergent. I don't care. I don't understand. I don't know the detail about them. So from here to here, what can you say? ई सॉरी ये एक्स एन, हाँ, और 12 की बात कर रहा हूँ ना मैं. हाँ, यस. सो डू यू सी, कैन यू कंक्लूड एनी थिंग फ्रॉम दिस? कैन यू कंक्लूड एनी थिंग फ्रॉम दिस? यू नो दिस, यू कैन नॉट टेल द स्ट्रक्चर ऑफ दिस थिंग. वाई? बिकॉज देर आर सो मेनी टर्म्स. एक्स आई वाई जी का मल्टीपल रहेगा अंदर, एंड यू डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ दैट. ये तो एन हैं, बाकी भी बहुत सारे टर्म्स हैं. सो देर इज नो रिलेशन विथ समेशन ऑफ एक्स एन. अगर एक्स है तो देर इज नो रिलेशन विथ समेशन ऑफ एक्स एन स्क्वायर. लेटर ऑन यू विल सी देर इज अ टर्म दैट इज कॉशी प्रोडक्ट बोलते हैं. What is Cauchy product? Cauchy product, you should talk about this. X1 yn plus X2 yn minus 1 plus X3 yn minus 2 and so on. Last term will be xn y1. Aisa kuch. So whenever your summation of xn and summation of yn is convergent, this product is also convergent. This is called, an answer will be AB. Suppose this is A and this is B. This converges to A, this converges to B, then this product, this converges to AB. अगर इसको general form में लिखा तो this is x say n y n minus r, and r equal to you can say 0 to n equal to 1, so r will be 0 नहीं ना, it will be this is x n minus sorry this will be x n. तो n से स्टार्ट करता हूँ मैं. n इक्वल टू वन एक्स वन वाई विल बी n माइनस n प्लस वन माइनस वन या n माइनस r माइनस i को सफिक्स बोलना पड़ेगा मुझे, नॉट टू n. सो लेट मी से एक्स आई एंड वाई आई विल बी, इट विल बी n n minus i. No, n minus i will not work, na? N plus 1 minus i will work, I think. Yes, this will work. I equal to 1 put kiya, to ye kya aayega 1 x 1 and this will be 1 1 will get cancelled. Yeah, I will be getting y n. Yes. X1 yn एक्चुअली शायद n plus 1 है यहाँ पे, but doesn't matter. Just to motivate you that summation of xn is x, then summation of xn square से कोई लेना देना नहीं है. And if somebody has summation of xn, suppose it converges to x, summation of yn that converges to b, then can you say about summation of xn into yn? You cannot say anything about this. You don't have any answer. This may be convergent, may be not, may not be convergent, or it may not converge to a into b. एंड द क्वेश्चन इज दिस वन, 12th वन. उसमें क्या लिया है? एक्स एन को ये लिया एंड वाई एन इज अगेन एक्स एन ओनली, एंड दे आर आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट.
सो नो कंक्लूजन, देर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट जिसमें क्या रहता है, इसका अगर एक्स एन लिया तो इसका वाई वन, इसका एक्स टू लिया दिस इज एक्स वन वाई एन एक्स टू वाई टू, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट देन दिस इज इक्वल टू ए इन टू बी. यू सी इफ यू राइट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन एंड यहाँ पे वाई एन माइनस वन और यहाँ पे वाई एन, इफ़ यू प्रोडक्ट दिस टू लाइक दिस, देन उनका समेशन लिया, वो जिनको कन्वर्ज करेंगे दैट विल बी ए इन टू बी. दिस इज कॉल्ड कॉशी प्रोडक्ट, दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्रोडक्ट. ठीक है, सो आंसर विल बी नन ऑफ दिस. वॉट अबाउट और नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बोले, विच वन? यस 16, या ओके. वट कैन यू अबाउट 16 इफ द सीरीज, ये 16 क्वेश्चन आई थिंक ये सेकेंड प्रैक्टिकल का क्वेश्चन दे दिया, प्रैक्टिकल टू में भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा तुमको मिलेगा. इफ सीरीज समेशन ऑफ ए एन ऑफ अ नॉन नेगेटिव टर्म इज कन्वर्जेंट दैन डैश नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, विच वन? लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. सी समेशन ऑफ वन अपॉन एन स्क्वायर, डू यू नो दिस इज कन्वर्जेंट? Do you know this series is convergent? Why? Perfect, P series. And what can you say about this summation of 1 by n? Do you see the answer? Dash need not be convergent. So option E is need not be convergent. Because मुझे एक example मिल गया जिसमें वो divergent है. That's it. बाकी का verify करो तुम लोग. That is एक्सरसाइज फॉर यू, थिंक अबाउट इट कि वो कन्वर्जेंट रहेगा क्या. ओके, बट हियर ऑप्शन ई वॉज क्वाइट ईजी टू गेस. वट नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स हियर? शैल वी गो टू नेक्स्ट प्रैक्टिकल? 14, दैट इज क्वाइट ईजी. 14 कैसे करोगे बोलो? लेट अस स्टार्ट. यू वॉन्ट टू फाइंड समेशन ऑफ ए एन समेशन ऑफ बी एन, करेक्ट? सो लेट समेशन ऑफ ए एन को मैं ए बोलता हूँ एंड समेशन ऑफ बी एन को बी बोलता हूँ, करेक्ट? बाय अलजेब्रा ऑफ सीरीज व्हाट इज फर्स्ट थिंग, इट इज गिवन समेशन ऑफ 3 इंटू 3 ए एन प्लस बी एन इक्वल टू 8. समेशन में चलता है ना, आई कैन टेक देयर इनसाइड, सो 3 विल बी आउटसाइड, इट विल बी समेशन ए एन प्लस समेशन बी एन इक्वल टू 8 बाय अलजेब्रा ऑफ सीरीज. हाँ, and this summation an is a, so it is 3a plus b equal to 8. This is your first equation. Do you see, you will get simultaneous equation, you will get two equation and you have to solve them, and from here you will be getting 11a plus 4b equal to 7. One more thing you can do, you can put the value and check which of them is satisfying, or solve karna better laga to wo hi kar lo, whatever you think, and get the answer. Okay, any other problem here? Shall we go to the next practical, or do you have anything else to ask? Yes, are bolo bhai, okay nahi tum log? हेलो, या ओ, ये प्रैक्टिकल 18 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? अच्छा, ये सम्स है क्या, जीएमसी क्यों है? ऐसा है क्या? ओके. अच्छा, मतलब पहले वो लोग ने एक 30 का सेट बनाया होगा, फिर उसी को डिवाइड कर दिया होगा, ऐसा कुछ. ठीक है, बोलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हाउ विल यू डू? सॉरी, कौन सा डाउट है वो बताओ. डू यू हैव एनी डाउट? आई थिंक ये सब रिजल्ट पे ही है. इफ यू रिमेंबर द रिजल्ट देन पूरा हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, मतलब डाउट वगैरह मुझे नहीं लगता. बट टेल मी इफ यू हैव एनीथिंग, इफ यू नो द थियोरी. कौन सा
23, ओके, एनीथिंग बिफोर 23? ट्वेंटी थ्री में क्या प्रॉब्लम है? जीरो इज लेस देन ई एन इज लेस देन बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 100, समेशन ऑफ बी एन, हाँ दिस इज ट्रू, एंड समेशन ऑफ बी एन इज कन्वर्जेंट सीरीज, सो वट कैन यू सी? ये मतलब ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन, क्या गड़बड़ ऑप्शन दिया है? You are saying that summation of bn is convergent in the option. You are saying summation of bn is convergent. ये कौन सी बात हुई? It should be an ना, because इधर तो तुमने बोला ही summation of bn convergent है. अगर मतलब मुझे क्वेश्चन मिला तो मैं यही बोलूँगा भाई, जो तुमने बोला मैं वही मानता हूँ. ठीक है, summation of bn is convergent, okay. But actually option should be summation of en होना चाहिए, and that is the correct option. Do you see which test? Comparison test. Do you remember what is comparison test? इधर ही कहीं पे आगे पीछे होगा, इधर ही कहीं पे. Yeah, here it is 25. If you are having en is less than equal to bn, then अगर बड़ा वाला convergent तो छोटा वाला भी convergent ना. Here your बड़ा वाला is convergent, तो छोटा वाला will be also convergent. Correct? Do you see others are not true? Do you agree? ये तो मैंने एक example दिया ही, 1/n² ले लो, and then this is 1/bn. अगर 1/n² convergent है, so what about summation of n² This is divergent, so here you are convergent बोल रहे हैं, that is also false. Conditionally convergent मतलब convergent नहीं होना चाहिए, but उसके लिए alternating की बात करना पड़ेगा अपने को, so that is also okay. बट अगेन सी, समेशन ऑफ बी एन इज कन्वर्जेंट सीरीज बोल दिया है, तो इफ इट इज कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली ना, सो यू नीड टू चेक जस्ट एब्सोल्युट कन्वर्जेंस. सो या इट नीड नॉट बी, समेशन ऑफ बी एन नीड नॉट बी, इट मे बी कि समेशन ऑफ बी एन कन्वर्जेंट है तो वो भी रहे, समझा क्या? यू जस्ट हैव टू गिव सम एग्जाम्पल. देर इज़ अ करेक्शन, यहाँ पे ई एन होना चाहिए. इट इज़ बेसिक योर कंपेरिजन टेस्ट की बात कर रहे थे, दैट्स इट. ओके, एंड एनी थिंग एल्स? कौन सा अभी हियर? क्वेश्चन नंबर 20. This one? Hello? Yeah. Can somebody, do you want to answer anyone? Which option will be correct? B, option B, why? Why option B? Very nice, very nice, very nice, good. See, 1/en is greater than n², so what about en? It will be just flipped, then sign will change. En is less than 1/n². So what is comparison test telling you? If this bada wala is, this is sequence, if this is series, 1/n², bada wala is convergent, then you can say summation of en is convergent. So wo yehi puch rahe the, this is convergent when? When this is true, option B is true. Very good. Yeah, anything else? देखो, तुम लोग को मैं पहले पूछा कि कहाँ पे उसके पहले है क्या, तो बोलते नहीं हो फिर बाद में. 19 बोलो, इट इज जस्ट टेस्ट है. कौन सा टेस्ट है ये? विच टेस्ट इज दिस? दिस इज रूट. रूट नहीं दिख रहा तुमको, रेशो किधर है? यस, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस गाय इज टॉकिंग अबाउट स्क्वायर रूट, तो ये तो गया. nth रूट की बात होती है वहाँ पे. एंड व्हाट इज द आंसर? इफ nth रूट इज लेस देन 1, देन यू सी इट इज कन्वर्जेंट, करेक्ट? सो मतलब ऑप्शन बी भी गया, इट इज ग्रेटर देन 1, तो
सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. यस वन अपॉन किया तो इट विल बी लेस देन nth root of n that is less than 1, then it is convergent. See, here they have not talked about limit. I'm just telling you this is less than 1. So what about their limit? Their limit will also be less than 1. By you can say either comparison test or sandwich theorem. Do you agree? Because in the ratio test, they used to talk about this limit. Limit n tending to infinity, nth root of an, that must be less than 1. But what do I know? Every term of the sequence that is less than 1. So, jo limit aayega, wo bhi less than 1 hi rahega. Usme kya hai? So, option C is correct. Tell me anything else. Yes. अरे बोलो भाई, एनीथिंग एल्स? ट्वेंटी सेवन. ओके, आई नीड टू गो डाउन. या ट्वेंटी सेवन. ट्वेंटी सेवन, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? इफ ए एन बी एन बी द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव, ओके, एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई एन अपॉन बी एन इक्वल टू जीरो. डू यू सी दिस इज लिमिट कंपेरिजन टेस्ट. लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का याद है क्या था? व्हाट वाज दैट? टेल मी व्हाट इज दैट व्हेन यू आर हैविंग दिस. इसको एल बोलते हैं एंड इफ एल इज नॉन जीरो ऐसा कुछ है. बोलो क्या है? सो विच ऑप्शन? ऑप्शन ई क्या है? तो इफ एंड ओनली इफ है भाई. इफ एंड ओनली इफ थोड़ी होता है. इफ एंड ओनली तब होता है जब एल हो, एंड एल नॉन जीरो हो तो बिहेव्स अलाइक होता है. ए एन एंड बी एन बिहेव्स अलाइक. दिस इज इफ एंड ओनली इफ. एंड यू आर सीइंग ऑप्शन डी ना? दैट इज समेशन ऑफ बी एन इज कन्वर्जेंट इम्प्लाइज समेशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट. But converse, yes, this seems correct. But can you give me a converse? Is not true. So can you give me a counter example where summation of an is convergent but summation of bn is not convergent? Give me summation of an which is convergent and give me summation of bn which is divergent, such that limit an upon bn that goes to zero. The divergent. Do you see anyone? I can see an example, but can you see that? I will give you a hint. P series. Very nice. 1 upon n square and 1 upon n. Correct. What is the ratio? 1 upon n square ऊपर रहेगा, 1 upon n रहा तो लिमिट क्या आएगा? 1 upon n आएगा, that goes to 0. Do you see? Here is your counter example. That this guy is convergent, this is divergent. But here, hence converse is not true. Do you see? So summation of bn is convergent implies summation of an convergent. अगर an convergent है तो I cannot say that bn will converge or not. Okay? Is that okay? Anything else? Any other question? Anything else? कौन सा 29 बोला? कौन सा बोला? 29. Anybody want to answer this? This number 29? Anyone? ए मॉड की बात हो रही है ना, तो इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. करेक्ट. सी एक्चुअली अगर मतलब देखा जाए तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट.
बिकॉज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इम्प्लाइज कन्वर्जेंट, डू रिमेंबर? सो इफ इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देन इट इज कन्वर्जेंट. बट वेन एवर यू आर फॉर यू गाइज, अगर ये इंट्रेंस एग्जाम होता या कोई एग्जाम होता तो अगर मल्टीपल सेलेक्टिव होता तो ऑप्शन डी वॉज ऑल्सो करेक्ट. बट फॉर अस वी हैव टू चूज जो भी, मतलब इट इज़ लाइक समथिंग 60% 90% जो भी ज़्यादा एक्यूरेट है. सो दिस इज मोस्ट एक्यूरेट बिकॉज दिस फॉलोज अदर. अगर सिर्फ मैंने कन्वर्जेंट बोला दैट डजेंट मीन दैट इट इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. बट इफ आई एम सेइंग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दैट इम्प्लाइज कन्वर्जेंट. सो इट इज़ इनफ टू से अबाउट ऑप्शन ए, करेक्ट? बट ओनली फॉर यू गाइज हाँ, इफ इट वॉज अ इंट्रेंस एग्जाम तो ऑप्शन, अगर मतलब मल्टीपल सेलेक्टिव होता तो ए और डी दोनों आता. बट फॉर यू गाइज यू कैन से, और मे बी एक ऑप्शन में डाल देता हूँ नॉट कन्वर्जेंट, सो नाउ यू विल बी श्योर कि हाँ ऑप्शन ए ही करेक्ट है. और फिर भी अगर है तभी भी तुमको ऑप्शन ए ही लगाना है बिकॉज दैट इज मोर पावरफुल देन दैट. इट इज़ लाइक इफ द फंक्शन इज डिफरेंशियबल देन इट इज कंटिन्यूअस. ओके या एनीथिंग एल्स? बोलो भाई एनीथिंग एल्स? वट अबाउट क्वेश्चन नंबर 30? दैट इज अ नाइस क्वेश्चन. समेशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट देन फॉर ईच पी वट एवर पी समेशन ऑफ ए एन रेज टू पी इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. वट डू यू थिंक? ऑप्शन डी. ओके वाई? P greater than equal to, मतलब equal to पे तो true है ही क्योंकि question में बोल दिया भाई, उसमें मतलब ये पूछने वाली क्या बात हुई. If P is equal to 1 तो वो तो question में बोल रहा है तुम लोग. And if P is greater than equal to 2 then I'll tell you one thing, there is a problem in this question. The problem is this, I'll give you an example where this is not true. See, summation minus 1 raised to n upon n. What do you see about this? What can you say whether this is convergent or divergent? Which type of series is this? Root n maybe I'll take. Which type of series is this? Alternating. How do you check an alternating series converges? You have to check two things, correct? Do you see this guy is convergent? By quickly checking, do you see this series is convergent? Yes. Did you check? क्या क्या monotonic decreasing है an? हाँ, 1 upon root n है तो वो है ही. And next it goes to 0, yes. And an is taking all the positive values. So all the three conditions are satisfied. So it is convergent. Look at this. This is my an. An बोलूँ क्या मैं इधर? See, an is this minus 1 raised to n upon root n. Look at this, summation of an square. What will be this? This will be 1 upon n. What can you say about this guy? Yes? What can you say? Divergent. So, do you see? तुम लोगों ने बोला ऑप्शन डी वो ठीक है, बट दिस थिंग इज ट्रू ओनली इफ an, ओनली इफ इट इज टेकिंग ऑल पॉजिटिव टर्म्स. इट इज नॉट अल्टरनेटिंग सीरीज, इट शुड बी टेकिंग ऑल पॉजिटिव टर्म्स. इधर लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में तुम लोगों ने देखा होगा टेकिंग ऑल पॉजिटिव टर्म्स ऐसा वर्ड रहता है वहाँ पे. यू सी हियर ए एन बियर द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर. सो दिस इज हाउ, सो यू कैन सी दैट वेयर ए एन इज पॉजिटिव.
एन इज पॉजिटिव मीन्स वॉट, ए एन कैन नॉट बी दिस गाय, माइनस वन डिज टू एन आई नहीं सकता उसमें, आई एम टेकिंग ऑल ई एन एज पॉजिटिव, सो यहाँ पे एक करेक्शन है, हियर एन मस्ट बी पॉजिटिव, सॉरी ई एन मस्ट बी पॉजिटिव, देन ओनली दिस इज ट्रू. डू यू सी ए काउंटर एग्जाम्पल, आई गेव यू अ काउंटर एग्जाम्पल जस्ट नाउ, करेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड. कैन यू गिव मी अ काउंटर एग्जाम्पल फॉर दिस गाय, इफ पी इज लेस देन वन देन दिस इज नॉट कन्वर्जेंट और समथिंग. कैन यू गिव मी अ काउंटर एग्जाम्पल फॉर सी, दैट इज समेशन ऑफ ई एन इज कन्वर्जेंट बट समेशन ऑफ ई एन रेज टू पी इज नॉट कन्वर्जेंट. गिव मी अ पी, गिव मी अ काउंटर एग्जाम्पल. परफेक्ट, वेरी नाइस, वन अपॉन एन स्क्वायर. सो पी को क्या लोगे, वन बाय टू, वेरी नाइस, वन बाय टू. सो डू यू सी, सो मतलब ये भी गया ये भी गया, अगर देखे तो सब रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, इट शुड बी करेक्शन शुड बी एन शुड बी पॉजिटिव, एन इज पॉजिटिव, ऐसा, इज दैट ओके. या एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन, नो आई थिंक वी हैव कवर्ड द सिलेबस ऑफ योर क्लास टेस्ट.